टिहरी जिले से अधिकारियों की लापरवाही से बैध गन्ने का जूस बहाया गया। सरजू सहकारी चीनी मिल बेलनाया में आए दिन गन्ने का जूस बहाया जा रहा है, जिससे फैक्ट्री करोड़ों के घाटे में जा रही है। फैक्ट्री के पूर्व संचालक वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि हर साल करोड़ों का बजट फैक्ट्री की मरम्मत के लिए आता है, मगर कार्य संतोषजनक नहीं होता। यही कारण है कि आए दिन फैक्ट्री में कोई न कोई फाइट होती रहती है। आज की सुबह लगभग 3 बजे से 2 से 10 की शिफ्ट में बैड जूस बहा दिया गया। यही कारण है कि गन्ने की रिकवरी बहुत ही कम आ रही है और अधिकारी कहते हैं कि यहां का किसान सही गन्ना नहीं लेकर आते हैं। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट। डायरेक्टर साहब, ये बताइए, इस चीनी मिल में आज रात में 2 से 10 की शिफ्ट में जूस बहाया गया है, उसका क्या तात्पर्य है ये बहाने का? ऐसा है, ये कोऑपरेटिव चीनी मिल है जी, और कोऑपरेटिव चीनी मिलें निरंतर घाटे की स्थिति में हमेशा रहती हैं। इसमें जो है ये सरकारी चारागाह है जी, और कोऑपरेटिव चीनी मिलों को सरकार ने सरकारी चारागाह बना रखा है, और जूस ये लोग हमेशा बहाते हैं, कोई नई बात नहीं है। जैसा कि इस बार शासन ने इनको बजट दिया है जी रिपेयर के लिए जी। इनके इस साल पिराई सत्र 18-19 में जो है इनका जो रिपेयर का कार्य हुआ है संतोषजनक नहीं हुआ है, और ये लोग उस पैसे का दुरुपयोग किए हुए हैं। और जब बीच में जूस जो ज़्यादा हो जाता है तो ये लोग जूस बहा देते हैं, अगर सेंट्रीफ्यूगल मशीनें काम नहीं करती हैं, क्वाड में जूस भरा है, पीछे गन्ना पिराई बराबर हो रही है, जूस जब अधिक हुआ तो ये लोग हमेशा नाले में गिरा देते हैं। और कोऑपरेटिव चीनी मिले निरंतर इसीलिए घाटे में आते हैं, और बदनाम किसान होता है कि सही गन्ना नहीं मिलता है और गन्ने में रिकवरी नहीं आती है, जबकि ये चीनी मिल जीएम और चीफ केमिस्ट और चीफ इंजीनियर सभी लोगों की मिली भगत होती है, और ये इसमें फेडरेशन भी जानता है, फेडरेशन जो उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ है ये भी जानता है जी, और कोई चीज़ ये मतलब प्रशासन से छिपी नहीं है।